और खबर देवबंद से है। भू माफिया के खिलाफ बयान को लेकर देवबंद से खबर आ रही है। देवबंद में भू माफिया के खिलाफ सबसे बड़ा बयान। प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराने को किया चिन्हित। 69,000 वर्ग मीटर भूमि होगी खाली। चार सौ सत्तावन स्थानों पर है माफिया की जमीनों पर कब्जा। राजस्व विभाग की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। एसडीएम की निगरानी में गठित की गई टास्क फोर्स। देवबंद से खबर, गांव गांव चलेगा कब्जा मुक्त अभियान। डीएम ने आवश्यक दिशा निर्देश किए जारी। पूरी तहसील में फैला है भूमाफिया का मकड़ जाल। सरकार के संभावित प्रोजेक्ट हो सकेंगे पूरे। देवबंद में भूमाफिया के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान। प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराने के लिए जमीनों को किया चिन्हित। देवबंद में भू माफिया के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान। भू माफिया द्वारा कब्जा की गई जमीनों को चिन्हित किया गया है। एसडीएम की निगरानी में टास्क फोर्स बनाई गई है। हमारे यहाँ जो है, हमने अपनी तहसील के सभी ग्रामों में जो है लेखपालों से जितनी भी ज़मीनों पर, सरकारी ज़मीनों पर, तालाबों पर अवैध कब्जे हैं, सब चिन्हित करा के सूची बनवा ली है। और उसके बाद हम लोग ग्रामवार हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं उनको हटाने का जो है। तो कल जो है हम थाना दिवस था, रहमतपुर से फलोदा में जो है पुलिस भी और रेवेन्यू स्टाफ दोनों साथ में गया था और वहाँ दो जोड़ के नंबर हैं, बाकी अन्य सरकारी भूमि थी वो सब खाली कराया गया है। सर, कितने जो तहसील कितने जगह कब्जे हैं जो आपने चिन्हित किए? ये हमारे यहाँ 457 जगह आया है जो कि अवैध कब्जे हैं और कुल मिला के 69 हेक्टेयर ज़मीन है जो कि खाली होनी है। इस समय हम मौजूद हैं देवबंद एसडीएम के कार्यालय पर। यहाँ पर मुख्यमंत्री के आदेशों का साफ साफ सख्ती के साथ पालन कराना शुरू कर दिया गया है। भू माफियाओं के जिस प्रकार से कार्रवाई शुरू कर दी गई है, ये अपने आप में एक मिसाल बनकर पेश आ रही है देवबंद तहसील। हम आपको बताना चाहेंगे, आज जो बड़ा जो चीज़ हमारे निकल कर सामने आई है, जो देवबंद के एसडीएम हैं उन्होंने एक बात कही है कि देवबंद क्षेत्र में 69,000 वर्ग मीटर, जी हाँ 69,000 वर्ग मीटर जमीन चिन्हित की है, जिसको बोलेंगे लगभग जो आती है 13 एकड़ के आसपास वो ज़मीन बैठती है, उसको खाली कराने के आदेश जारी किए गए हैं। और इस प्रकार उसके लिए एक कमेटी गठित की गई है जो जिसकी निगरानी एसडीएम देवबंद खुद कर रहे हैं। गांव के जो लेखपाल हैं, सचिव हैं, उनको इस कार्य के लिए लगाया गया है। बाकायदा देवबंद तहसील में 457 स्थानों पर अवैध कब्जा पाया गया है जिनको चिन्हित किया गया है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। 457 स्थानों पर 69,000 वर्ग मीटर खाली जमीन कराई जाएगी। कहीं ना कहीं सरकार को भी इस ज़मीन के खाली होने से लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री की जो योजनाएं हैं, गौशाला, कई प्रकार की योजनाएं भी इसमें कार्यों में लाई जा सकती हैं उस ज़मीन को। तो ये बड़ा एक मुख्यमंत्री का जो बड़ा सराहना कार्य माना जा रहा है और प्रशासनिक स्तर पर भी शासन की जो झलक साफ दिखाई दे रही है। मैं के न्यूज़ इंडिया के लिए देवबंद से प्रशांत त्यागी।